हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन ऑफ स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, सुबह हमारी क्लास एक दोस्तों कंप्यूटर की होती है, उसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी क्लासेस दे दी हैं। तो सुपर टेट के लिए दोस्तों ये स्पेशल क्लास कराई जाएगी, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा दोस्तों हम क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। बिकॉज आपको पता है हमारी क्लास पहले लाइव होती थी, अभी थोड़ा सा हम बाहर हैं इसकी वजह से लाइव आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि दोस्तों आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से आपको बताना है, मॉनिटर प्रिंटर विंडोज 2000 विंडोज एनटी या फिर कीबोर्ड और माउस या स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी है, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोग समझे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है आपको बतानी है, ड्रेसिंग ड्रॉपिंग राइट क्लिकिंग और शिफ्ट क्लिकिंग या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जब वीडियो खत्म हो जाएगा, या बीच में भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है आपको बताना है, स्कैनर प्रिंटर कीबोर्ड माउस या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, डॉट प्रिंटर जो है वो दोस्तों प्रिंटर ही है, तो प्रिंटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स के बारे में आपको पूछा गया था, डॉट मैट्रिक्स जो एक प्रिंटर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर टिक करना है। तो टैब कुंजी का जो दोस्तों प्रयोग होता है वो कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए किया था, तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा जो आप लोगों के सामने है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के सामने दोस्तों बी है, पैराग्राफ इंडेट करने के लिए होता है। टैब कुंजी का प्रयोग जो होता है दोस्तों पैराग्राफ इंडेट करने के लिए होता है। मुझे लगा ऑप्शन वहाँ पर सी है, लेकिन वो बी सी निकला। आगे देख ले, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में की जाने वाली डैश कुंजी को दबाएं, तो उसको होम या फिर पेज ए अप या फिर एंटर या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। दोस्तों हम होम पर आ जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस आपको बताना है, माइक्रोफोन प्रिंटर स्कैनर मॉनिटर कीबोर्ड माउस इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कीबोर्ड और माउस दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, कंप्यूटर की समस्त सूचना और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, मॉनिटर कीबोर्ड ALU CPU या फिर प्रिंटर। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। इसका आंसर आप सबको बता होना चाहिए, और नहीं पता तो ऑप्शन नंबर बताया था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। गाइस अगला आप लोगों के सामने होगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है आपको बताना है, मैकेनिकल जनरल ऑप्टिकल मैकेनिकल या फिर फुल ड्यूप्लेक्स या फिर ऑटोमेटिक या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको बताना है गाइज। तो आंसर मुझे उम्मीद है आप सबको पता होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्टिकल मैकेनिकल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, कीवर्डों में फंक्शन की संख्या कितनी होती है आपको बताना है, 14, 13, 12, 15, 16। तो ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। नौवें क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देख ले दोस्तों क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, हम देख लेते हैं। तो आपको पूछा गया दोस्तों कीबोर्ड और फंक्शन की संख्या कितनी होती है आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, डैश में पेंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इम्पैक्ट पेंटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक एक अच्छा प्रिंट होता है आपको बताना है, लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइन प्रिंटर या फिर पॉइंटर तो फ्लोटर चाहिए। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करें। 11 का आप लोग आंसर करें तो राइट आंसर होगा दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है, जॉयस्टिक मैग्नेटिक टेप मॉनिटर मैग्नेटिक डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। 12 का आप लोगों को आंसर करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गाइस अगला आप लोगों के सामने है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है आपको बताना है, छापना टाइप करना इनपुट करना उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर टिक करना है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इनपुट करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है आपको बतानी है, आउटपुट इनपुट दोनों या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है, और राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है,
कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ के एफ प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है आपको बतानी है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है 15 का। दोस्तों आप लोगों को आंसर बताना है तो आंसर आप सभी को इसका पता होना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने होगा, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है आपको बताना है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्लॉटर्स या फिर एक और दो नॉन प्लॉटर्स। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं मुझे उम्मीद है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों प्लॉटर्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्यों के किस भाग में दिखाई देते हैं आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वीडियो द्वारा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इन आउटपुट का माध्यम है आपको बताना है। स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आप सभी को करना है, इसका आंसर आप सभी कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रिंटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, डगलस सी इन जे लवर्ट ने स्टैनफोर्ड और रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया आपको बताना है। 1917 में या फिर 1970, 1980 या 1952। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है, इसका आंसर आप सभी को बताना चाहिए, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर इनपुट करने का कौन सा आपको बताना है। कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। स्कैनर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, दो प्रकार के। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों 22वां क्वेश्चन यहीं पर, इसको पढ़ लें। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आप लोगों के सामने चार ऑप्शन आ चुके हैं, अब आपको बताना है। ASCII कोड या फिर मैग्नेटिक टेप, OCR स्कैनर या बार कोड। चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कोड, जो आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, बार कोड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापता आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 200 से 2000 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है, इसका आंसर आप सभी को बताना चाहिए। डॉट मैट्रिक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ, राइट आंसर होगा दोस्तों फोटो कॉपी है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं आपको बताना है। 26 का आप लोगों को आंसर करना है। तो देख ले दोस्तों क्या आप लोगों का आंसर आने वाला है, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है आपको बताना है। 1, 2, 3, 4, इनमें से जो भी आपको राइट लगता है आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर गाइस। अगला आप लोगों के सामने है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट का आकार वस्तु को क्या कहते हैं आपको बताना है। माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्त या फिर माउस चालक। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, 28 का आप लोगों को आंसर करना है गाइस। मैं आप लोगों के आंसर देखूंगा कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद। तो देखते हैं दोस्तों क्या राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, माउस पैड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, इन निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा आपको बताना है। प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या एक तथा दो या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं दोस्तों। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही दोस्तों आउटपुट हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला आप लोगों के सामने होगा, अगले को कवर करें, डेटा किस प्रकार किस रूप में हो सकते हैं आपको बताना है। तो अलिखित, लिखित, असभ्य, चासूस या फिर ए तथा बी। तो 13 का दोस्तों आप सभी को आंसर बताना है, आंसर सबको पता होना चाहिए मुझे उम्मीद है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ई अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के कंप्यूटर के पार्ट से लेकर के आया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ और नोटिफिकेशन की वहाँ पर जो ऑप्शन होता है ओकेजन की जगह पर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।